फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज कल्प शाह फ्रॉम कल्प शाह सीए क्लासेस एंड अग्रवाल कंसल्टेंट्स। आज हम देखेंगे फीओ की वेबसाइट से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कैसे निकालना और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता क्या है। फीओ होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए, उसकी हेड एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ काउंसिल का नाम है फीओ। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको देना चाहूँगा, जो आप लिख सकते हो 8000028250। और हमारी जो सेवाएँ हैं वो GST रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, RCM से निकालना, अपेडा निकालना, IEC कोड निकालना, फीओ का सर्टिफिकेट निकालना और एक्सपोर्ट रिलेटेड सेवाओं का आपको उपलब्ध करवाना। इसके अलावा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कंपनी नहीं खोलनी हो, पार्टनरशिप टू कंपनी कन्वर्जन करवाना हो, LLP टू कंपनी कन्वर्जन करवाना हो, LLP टू पार्टनरशिप या पार्टनरशिप टू LLP, इस प्रकार से कन्वर्जन कराने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कंपनी इनकॉर्पोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट, ट्रेडमार्क, रजिस्टर ऑफ कंपनीज रिलेटेड सर्विसेज, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, NCLT मैटर्स, GST रिटर्न फाइलिंग, GST रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स लीगल अपीयरेंस, उसके अलावा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड प्रोसीजर्स, फेमा के रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड गाइडेंस, हेजिंग के रिलेटेड गाइडेंस, वैल्यूएशन और मर्चेंट एक्सपोर्टिंग के रिलेटेड गाइडेंस, PF, ESI, ग्रेजुटी रिलेटेड सर्विसेज, FSSI, सेंट्रल लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस, अपेडा वगैरह हम सर्विस देते हैं। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं फीओ पे से कैसे निकालना है आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता क्या है। आप फीओ की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लिंक्स एंड रिसोर्सेज में आपको क्लिक करना है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो वो आप क्लिक करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, आप इंडिया में ही ये गुड्स बनाते हो ऐसा सर्टिफिकेट है और वो कोई भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको इश्यू कर सकती है। उसके लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच एस्टैब्लिशेस एविडेंस ऑन ओरिजिन ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड इन टू एनी कंट्री। यानी कि ये कोई भी गुड्स इंडिया में इम्पोर्ट हुआ या इंडिया में बना है उसका ये प्रूफ है, यहाँ पे ही बना है, यानी कि यहाँ पे उसका ओरिजिन हुआ है। दिस सर्टिफिकेट्स आर इसेंशियल फॉर एक्सपोर्टर्स टू प्रूव देयर गुड्स कम फ्रॉम वेयर देयर गुड्स कम एंड देयरफॉर स्टेक देयर क्लेम टू वेट एवर बेनिफिट गुड्स ऑफ इंडियन ओरिजिन में बी एलिजिबल फॉर इन द कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट्स। यानी कि आपको एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट लेने हैं तो आपको वो गुड्स इंडिया में ही बना है ऐसा प्रूव करना पड़ता है। तो उसके लिए दो प्रकार के सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होते हैं, एक प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, दूसरा होता है नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। प्रेफरेंशियल अरेंजमेंट स्कीम्स अंडर विच इंडिया इज रिसीविंग टैरिफ प्रेफरेंस फॉर इट्स एक्सपोर्ट्स आर। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रियों के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट करके रखा है, यानी कि इंडिया का गुड्स वहाँ पे एक्सपोर्ट होगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है मलेशिया, थाईलैंड, कोरिया, तो आप साउथ कोरिया में गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो साउथ कोरिया पे जो आपका बाहर है उसको इम्पोर्ट ड्यूटी कम लगेगी। इसी तरह कोरिया का गुड्स इधर आता है तो इंडियन जो बायर है, इंडिया का इम्पोर्टर, उसको इम्पोर्ट ड्यूटी कम लगेगी। जो ही दोनों ही कंट्री ने प्रेफरेंशियल रेट डिसाइड किया उस रेट पर ड्यूटी लगेगी, इम्पोर्ट ड्यूटी, तो वो प्रेफरेंशियल रेट होता है। और दूसरा होता है नॉन प्रेफरेंशियल रेट, उसमें कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। और प्रेफरेंशियल रेट में भी बहुत सारे होते हैं, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल, फिर ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस, सार्क प्रेफरेंसेस, एशिया स्पेसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस तरह से बहुत सारी कंट्रियों के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि हम बहुत सी कम ड्यूटी पे उस कंट्री का गुड्स इंपोर्ट करते हैं और हमारा गुड्स उस कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। तो इस प्रकार का दोनों तरफ का वन वे या टू वे भी एग्रीमेंट हो सकता है। दिस प्रेफरेंशियल अग्रीमेंट्स प्रिस्क्राइब रूल्स ऑफ ओरिजिन विच हैव टू बी मेड। रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या था उसके लिए मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हो। तो ये अब यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का बेसिस क्या होता है, प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ओरिजिन। तो आपको ये पाने के लिए ऐसा डायरेक्टर जनरल फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से अप्लाई करना पड़ता है और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। वो इसका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है और आपको दो विटनेस भी डालने पड़ेंगे, फिर मार्क्स नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, नेम ऑफ स्टीमर, डेट ऑफ शिपमेंट, बिल ऑफ लेडिंग और वैल्यू वगैरह डिटेल्स भी डालनी होगी।
यहाँ पे आपको इंडेमनीफाई भी करना होता है कि अगर ये गुड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन गलत निकला या फिर आप झूठ बोल रहे हो तो आपको उसकी पेनल्टी भुगतान करनी पड़ेगी, यानी कि उसको आप उसका रिस्क आप ले रहे हो, उसको कहता है इंडेमनीफाई। ठीक है, तो कुछ भी फेडरेशन के हिसाब अगेंस्ट में केस होता है तो उसका पूरा इंडेमनीफिकेशन आपके अगेंस्ट की में ही जाता है, क्योंकि तो अगर आपने गफला करके सर्टिफिकेट ले लिया और फेडरेशन ने तो दे दिया, लेकिन अगर कुछ गफला हुआ तो फिर उसके भुगतान आपका करना पड़ेगा। फिर उसका अप्लाई यहाँ पे आपको करना है fio.uplift.india.com/coc/fio-login.spx पे। यहाँ पे आप लॉग इन करके सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपके पास मेंबर हो तो आप मेंबर के यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़ कर सकते हो, नहीं हो तो रजिस्टर फॉर ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नाम नाउ यहाँ आप करके आप यहाँ पे क्लिक करते हो करोगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। CHO हो तो CHA, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेलेक्ट करना है। CH होता है कस्टम हाउस एजेंट, जो आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर करके देता है पोर्ट पे। फिर इस तरह से आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अप्लाई करना है। ऑर्गेनाइजेशन नेम, जैसे मेरा नाम है कल्ब शाह क्लासेस, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, बिजनेस, ईमेल आईडी जो मुझे फिल करना है, मोबाइल नंबर, फिर पैन नंबर, पैन कार्ड नंबर, यही मेरा IEC कोड है। नए जो IEC कोड आ रहे हैं वो आपका पैन नंबर ही आ रहा है। फिर आपको एड्रेस डालना है, कंट्री इंडिया डालना है, सिटी अहमदाबाद, GST रजिस्टर्ड हो अगर तो GST कोड वगैरह डालना है, अनरजिस्टर्ड हो तो अनरजिस्टर्ड में डालना है, लेकिन सिलेक्ट जरूर से करना है। अनरजिस्टर्ड रखेंगे तो कुछ आपको पूछेगा नहीं। ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल्स, यूज़र नेम, फिर आपको यहाँ पे यूज़र नेम किस क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे कल्ब शाह GST क्लासेस नाम का यूज़र नेम क्रिएट कर रहा हूँ। चेक अवेलेबिलिटी, जो मेरे चैनल का नाम है वही यूज़र नेम मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। यूज़र नेम इज़ अवेलेबल, फर्स्ट पर्सन नेम इज़ कल्पेश कुमार शाह, ईमेल आईडी आपको डालना है, ऊपर वाला ही डाल सकते हो, अलग हो तो अलग भी डाल सकते हो, फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर डालना है, सीक्रेट क्वेश्चन, अगर आपका पासवर्ड खो जाए तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, तो मेरी स्कूल का नाम है तपोवन, तो मैं तपोवन डाल देता हूँ। इज मेंबर, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो फिर पूरा पूछेंगे आपको कब मेंबरशिप आईडी क्या है, कब मेंबरशिप ली, उसकी वैलिडिटी कब तक है, डेमो फियो ब्रांच, फिर आपको इस तरह से कौन सी ब्रांच में आपने फियो लिया है वो बताना है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। फिर आपको इंडेमनिटी बॉन्ड्स का डॉक्यूमेंट है, ये बॉन्ड डालना है, परमानेंट बॉन्ड है या टेम्पररी बॉन्ड है, वो आपको यहाँ से फॉर्मेट मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रकार का इंडेमनिटी बॉन्ड है, आप पढ़ सकते हो कि वी हियर बाय सर्टिफाइड दैट ऑल द पर्टिकुलर कंटेन
the invoices or other documents presented to the Federation by us in our name for their certification or authentication or legalization shall be true and accurately set forth. And further, that we shall at all times indemnify and keep indemnified the Federation and its official against all claims and demands that may at any time be made against them or any of them by reason of issuing और ऑथेंटिकेशन और लीगलाइजेशन ऑफ सच सर्टिफिकेट्स इनवॉइसेस एंड अदर डॉक्यूमेंट. यानी कि फेडरेशन यानी फियो ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिया, यानी कि फियो ने बोला कि ये गुड्स इंडिया में ही बने, लेकिन आपने गफला करके बनाए थे, आपने गफला करके सर्टिफिकेट ले लिया, आपने ये गुड्स इंडिया में नहीं बनाए थे. और वो जो बाहर का इम्पोर्टर, जैसे फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया का इम्पोर्टर है, उसने केस कर दिया फियो के सामने, तो वो केस करने के कारण जो भी भुगतान करना पड़ेगा खामियाजा, वो सारा आपको भुगतान करना पड़ेगा, उसका रिस्क आपका है, वो आप रिस्क उठाते, उसको कहते हैं इंडेमनीफाई करना. और उसमें आपको दो विटनेस भी लगाने होते हैं, तो इंडेमनिटी बॉन्ड यहाँ पे आपको अटैच कर देना है. इंडेमनिटी बॉन्ड नंबर आप अपना बॉन्ड नंबर लिख सकते हो, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना है परमानेंट या टेम्पररी, फिर यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ पे चूज फाइल करके फिर अपलोड करना है. मैंने तो खाली ही अपलोड कर दिया, कुछ भरा नहीं है, तो ये अपलोड हो गया, अपलोडेड सक्सेसफुली. फिर डेट डालनी है, क्रिएटेड डेट नहीं, ये डिलीट डॉक्यूमेंट है, यहाँ से करोगे तो डिलीट हो जाएगा, तो फिर आपको सेव करना है. कुछ रह गया, प्लीज सिलेक्ट, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है. जीएसटी नंबर अनरजिस्टर्ड है फिर भी वो पूछ रहा है, तो अनरजिस्टर्ड में क्यों पूछ रहा है, तो आप पैन नंबर डाल दो. अभी और क्या पूछ रहा है, जी है यहाँ पे सिर्फ ब्रांच सब्सक्राइब, कहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट लेना है वो आपको सेलेक्ट करना है. इंडेमनिटी बॉन्ड नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज एंटर अनदर नंबर, तो आपको कोई और नंबर डालना है बॉन्ड का. तब कोई बड़ा सा नंबर डाल दीजिए, योर रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड टू फियो सक्सेसफुली एंड एक्टिवेशन विल विद नोटिफिकेशन विल बी सेंड टू यू ऑन अप्रूवल ऑफ योर अकाउंट. तो इस तरह से आप अकाउंट खोल के फिर आप इंडेमनिटी सर्टिफिकेट ले सकते हो. फिर आपको यहाँ पे यूज़र आई डी पासवर्ड आएगा, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलेगा. थैंक यू दोस्तों.